हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप का इंतजार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा लैपटॉप वितरण योजना के तहत सत्र 2018-19 तथा सत्र 2019-20 के विद्यार्थियों का लैपटॉप पाने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा सत्र 2020-21 के समस्त परीक्षा परिणाम आने से वो भी ड्यू हो गया है। कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ कर्मचारी तथा शिक्षक नेता गोपाल सिंह राव के अनुसार राजस्थान सरकार के लैपटॉप वितरण योजना के तहत 75% से अधिक अंक लाने वाले 8वीं कक्षा के 6000 विद्यार्थी, 10वीं कक्षा के 6300 विद्यार्थी तथा 12वीं कक्षा के 9000 विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण करने की योजना है। 1 लाख से कम आय वाले अभिभावकों के पात्र मेधावी विद्यार्थियों ये लैपटॉप मिलता है, जिसकी अधिकतम संख्या 21300 तक होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2018-19 के पात्रों की सूची जारी कर दी थी, लेकिन आज तक पात्रों को लैपटॉप नहीं मिला है। कोरोना काल में जब ऑनलाइन शिक्षण कार्य चल रहा है, ऐसे में यदि ये लैपटॉप समय पर मिल जाते तो प्रतिभावान विद्यार्थियों का बहुत भला होता। लैपटॉप का वितरण मार्च 2020 बीच में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये 15 माह से अधिक समय के बाद भी लंबित है। नया सत्र 2021-22 भी शुरू हो गया है, लेकिन विद्यार्थियों को पुराने 3 सत्रों के लैपटॉप नहीं मिले हैं। इस वर्ष के भी सभी कक्षाओं के परीक्षा परिणाम आ गए हैं, लेकिन पुराने छात्र जो पात्र हैं, वे आज भी लैपटॉप का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान सरकार यदि शीघ्र सत्र 2018-19, सत्र 2019-20 तथा सत्र 2020-21 के लैपटॉप वितरण करे तो राजस्थान के लगभग 63,900 प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप मिल जाएंगे। लैपटॉप का शिक्षण में उपयोग लेंगे। राजस्थान में अधिकांश निर्धन वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनके माता पिता उनके लिए लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन की व्यवस्था करने में लगभग असमर्थ है। यदि राजस्थान सरकार संवेदनशीलता के साथ तीनों स्रोतों के लैपटॉप के पात्र प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित कर दे तो विद्यार्थियों का बड़ा हित होगा। राजस्थान सरकार ने निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की खेप विद्यार्थियों तक हर वर्ष पहुँचा दी, तो लैपटॉप क्यों नहीं पहुँचाए? जबकि पाठ्यक्रम में बदलाव होने से पुस्तकें नई छापी गई हैं। वितरण नहीं करने के पीछे वजह कोरोना के कारण कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते, ये हो सकती है। 3 सत्र के विद्यार्थी इंतजार में है कि ये लैपटॉप कब मिलेंगे। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ नेता राव गोपाल सिंह कोसालिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर धर्मपाल जारोली से शीघ्र लैपटॉप वितरण की मांग की। जरूरतमंद प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप मिलने से राहत मिलेगी, वो ऑनलाइन शिक्षण कर सकेंगे। कोरोना के तीसरे वेव की आशंका को देखकर विद्यालय विद्यार्थियों हेतु खेलने की संभावना फिलहाल कम है। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप नितांत आवश्यक है। जागरूक टीवी की पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।